हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। जैसे कि आप सारे जानते हैं और पहचानते हैं, ग्रुप ई के मैचेस का ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है और उसमें आया है सबसे बड़ा उलटफेर। हाँ जी, आज सबसे बड़ा आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि जापान लीग ग्रुप में जीता है और उसने दो बड़े उलटफेर किए हैं। पर इस दो उलटफेर के बाद हमने ये देखा है, जापान में एक ट्रेंड चल रहा है, ब्लू लॉक इज रियल। और हम लोग तो जानते नहीं है ब्लू लॉक इज रियल क्या मतलब है, तो हमने एक विद्वान को बुलाया है जो इसके एजुकेटेड पर्सन, जो इसमें अपने आप को बहुत 30 मार कहाँ समझते हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स और पता नहीं कितनी वेबसाइट से अपने ज्ञान की वृद्धि करी है। तो आज वो हमारे सामने ब्लू लॉक के बारे में बताने वाले हैं कि भाई साहब ब्लू लॉक है क्या। तो भाई साहब, ओवर टू यू, आप बताइए कैसे बताऊं, कहां से शुरुआत करूंगा। पहले एपिसोड की कहानी बता देता हूँ आपको थोड़ी सी। क्या होता है कि आपको पता है जापान अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीती नहीं है। ये सारे लोग परेशान होते हैं कि जो हमारा सबसे बढ़िया जो वो है फुटबॉल है, उसमें हम अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं है। तो ये क्या होता है, जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ब्लू लॉक के नाम से, जिसमें अलग अलग हाई स्कूल्स के मेन स्ट्राइकर्स आते हैं और उनको सर्वाइव करना होता है। 300 स्ट्राइकर्स आते हैं, उनको सर्वाइव करना होता है और सर्वाइव में से जो एक बच जाता है वो जापान की टीम का स्ट्राइकर बन जाता है। वो मेन इसलिए होता है क्योंकि जापान को एक अपना मेन स्ट्राइकर चाहिए होता है, जैसे कि अर्जेंटीना के पास मेस्सी है, ब्राजील के पास नेमार है, पुर्तगाल के पास अपना रोनाल्डो है। तो वैसे ही वो चाहते हैं कि हम एक दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्राइकर बनाएंगे जो कि इन 300 बंदों में से एक सर्वाइव करेगा, जो कि हमको वर्ल्ड कप देता है। तो इसका मतलब जो इस समय स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं वो क्या, जो ये है डी मैडा, क्या वो ये ब्लू लॉक के ही वो है? मैं आपको बता देता हूँ, ये फिक्शन कहानी है वैसे, बट जिस हिसाब से स्पेन और जर्मनी के साथ खेली है वो, लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई रियल हो सकता है। तो बाकी ये तो पहले एपिसोड की मैंने कहानी बताई है। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है इसागी नाम है उसका, वो क्या होता है हाई स्कूल का नेशनल का वो फाइनल खेल रहा होता है जिसमें वो हार जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ बटन दबा दिया, उसकी पूरी की पूरी आप डिटेल दे रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं तो वैसे ही बोलता हूँ। तो वो पहला मैच अपना हार जाता है, मतलब फाइनल हार जाता है, नेशनल में जाना होता है उनको, जो उनकी लीग वो चलता है उसमें वो हार जाते हैं। ये बेचारा अपना रो रहा होता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा स्ट्राइकर हूँ अपनी टीम का, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत बड़ा स्ट्राइकर होता है, मैं कुछ नहीं कर पाया, जिता नहीं पाया टीम को। क्योंकि वो क्या करता है, जब 90 कुछ मिनट में ना उसको, मतलब यहाँ पर कीपर है वो यहाँ पर है, उसको शॉट लेना होता है, बट वो शॉट की जगह पास कर देता है किसी बंदे को, और वो जो बंदा पास करता है वो जो शूट करने लगता है ना, तो उससे लगता नहीं है, गोल नहीं होता। तो मतलब आप इतने डीपली इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, मतलब मेरे को इतना पता है। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे जो मेरा पैसा खर्च होता है, अरे सुन रहे हो, बाकी का तो सुनो। फिर इसके पास ये घर जाता है, घर पे बेचारा रो रहा होता है, तो इसके पास एक चिट्ठी आती है कुछ फुटबॉल, मतलब कोई क्लब का वो कुछ आता है उसके पास कि आपको कल सुबह इतने बजे वहां पर पहुंचना है। वहां पर पहुंचता है उसके साथ जो फाइनल में जो उनका मेन स्ट्राइकर होता है जिसने टीम को हरवाया होता है, उनकी टीम को, वो भी वहां पर पहुंचा। तो दोनों के बीच में बात होती है, दोनों वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पूरा लगा होता है, मतलब 300 बंदे आ रहे होते हैं। वहां पर एक बंदा आता है, क्या नाम था उसका, आप तो पूरी स्टोरी, आप तो पूरी स्टोरी बताने लग गए। हमने तो आपसे थोड़ा सा वो पूछा था कि आप, तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब ये इतनी डीपली उस चीज को के अंदर घुस चुके हैं कि हमारे को पूरी पूरी डिटेल बता रहे हैं। तो फिर भी सुनो तो सही, फिर ईगो उसका नाम होता है किनपाची ईगो, जो कि चश्मिश चल रहा है। वो कहता है कि भाई हमने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम 300 में से एक बंदा जो होगा, वो 300 में से एक बंदा सरवाइव करेगा, जो कि फुटबॉल मतलब हमारी जापान का मेन स्ट्राइकर बनेगा, जो कि हमको वर्ल्ड कप जिताएगा। मतलब उनको क्या होता है कि वो खुद कहता है कि मेरा एक सपना था कि मैं वर्ल्ड कप जिताऊं, बट हो नहीं पाया, बट मैं तुमसे चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप जिताऊं। मतलब वो एक समझ लो
कितनी बिल्डिंग के अंदर 300 बंदों की टीम बनती है, 300 बंदों में मैचेस होते हैं, वो वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। ब्लू लॉक का मतलब यही है कि एक आपको समझ लो कमरे के अंदर लॉक कर दिया है ब्लू कलर के, और वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है मैचेस खेल लिया। तो जी भाई साहब जी का ये कहने का मतलब मकसद ये है कि एनिमे जो बनाया गया है वो इस मकसद से बनाया गया है कि आप लोगों का एक एंटरटेनमेंट हो सके, और उस रियलिटी बेस्ड सिचुएशन को इन्होंने अपने एनिमे के साथ एक फ्लक्चुएशन मतलब जो फिक्शन के साथ परोसा है। तो जी जो भी है रियलिटी बेस्ड हो या फिक्शन हो, पर ऐसा लगता है कि ब्लू लॉक रियल है, और यही आज का ट्रेंड जो चल रहा है, और मुझे लगता है कि हो सका तो ये ट्रेंड काफी लंबा जा सकता है जिस तरह ये खेल रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी टीम है स्पेन, इतनी बड़ी है जर्मनी, जर्मनी को तो भाई साहब जी टाटा बाइक कर दिया है ग्रुप स्टेज में ही। ये एक सबसे बड़ा अपसेट है इस बार का, जो कि मैं मानता हूँ कि नहीं जा रहे हैं ये लोग अगले स्टेज पे। इसमें मैं वैसे आपको बता दूं, इसमें मेसी और रोनाल्डो के बारे में भी बताया हुआ है, नेमार के भी बताया हुआ है, बट उन्होंने एक फिक्शन के हिसाब से एक प्लेयर है फ्रांस का, उसका नाम नहीं मेरे को याद है, उसने उसमें बताया कि उसने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा था बेलोंडोर जीतने का। उसमें पेले के बारे में भी बताया हुआ है, मैराडोना के बारे में भी बताया हुआ है उस एनिमे के अंदर। तो पेले के बारे में अगर आपने जानना हो तो हमारी एक सीरीज चल रही है वर्ल्ड कप की, उसमें 1950 और 1960 में जो ये वर्ल्ड कप हुए थे तो उसमें कैसे ये खेले थे, तो उसके बारे में डिटेल में आपको पता लगे। 1970 उनका लास्ट वर्ल्ड कप था, मैं जहाँ तक मुझे याद है वो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, तो उसकी भी हम सीरीज़ बना रहे हैं, तो ज़रूर उसको भी फॉलो करा करो। तो जी ब्लू लॉक के ऊपर हमने अब ये डिस्कस किया है कि हमारे जो है साहबजादे जी जिन्होंने नेटफ्लिक्स के ऊपर इतने पैसे तो वही मैं पूछने वाला था कि आप इतनी नॉलेज रखते हैं। जीतेगी तो यही। अरे जीतेगी तो जो जीतेगी वो हमें मालूम है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कौन सी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन? आज है किसका मैच ये तो बता दो। हे भगवान, पुर्तगाल का है आपके रोनाल्डो का। हाँ तो वही जीतेगी। और आपके रिचर्डसन का मैच है ब्राजील का। रिचर्डसन का मैच है ब्राजील का, किसके साथ है? रिचर्डसन का मैच है कैमरून के साथ आई थिंक। तो जी भाई साहब जी विदा चाहते हैं आपसे, आपको अच्छी लगी तो बढ़िया है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टाइम बिता दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, और बता दीजिएगा कमेंट करके कि कैसा होता है। तो ये है रियलिटी ब्लू लॉक की, ब्लू लॉक एकेडमी है जो कि है फुटबॉल के ऊपर, और ये जापान का एक बहुत अगर जीत गई तो ज्यादा प्रसिद्धित हो जाएगा, और मुझे लगता है कि हम बहुत प्रसिद्धित है, तो अभी हमारे यहाँ पे भी बड़ा पॉपुलर हो जाएगा और हम लोग भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दीपाल जी आपके आने का, हमारे सामने अपने जो नॉलेज थी उसको शेयर करने का, बहुत बहुत थैंक यू। तो जी बाय बाय, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा मत देखिए, पेपर पे ध्यान दीजिए। पेपर खत्म हो चुके हैं, बता दो पेपर खत्म हो चुके हैं। चलो ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय बाय।